निंदनीय है कि कश्मीर के अंदर जो है वो सिलेक्टिव किलिंग्स अभी भी हो रही हैं और बहुत ही कंडेमनेबल है, बहुत ही निंदनीय है और सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आता है, क्योंकि ऐसे वाक़े जो हैं वो आज के दिन भी हो रहे हैं, जबकि सरकार ने ये वादा किया था कि इस किस्म की कोई भी जो है आतंकवाद की वारदात देखने को नहीं मिलेगी। और उन्होंने ये कहा था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो ये कहते थे कि कोई चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की किलिंग्स भी हो रही हैं और इसी तरीके से जो है बेगुनाहों को जो है मारा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना होगा। क्या आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे और एक तरफ जो बीजेपी प्यास आंकड़ा पार करके क्या है? देखिए वो तो कहते रहते हैं, कहने के ऊपर कोई पाबंदी तो है नहीं है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और मैं ये कहूँगा कि अब वक्त बताएगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं, इनको परख चुके हैं। पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है वो इनके साथ तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन हासिल लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी मिली है, सिर्फ नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। हकीकत ये है कि ज़मीनी सतह के ऊपर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो अब लोगों में एक निराशा का माहौल है, एक मायूसी का माहौल है और उसका सिला जो है वो आने वाले वक्त में उनको ज़रूर मिलेगा। ये मुझे लगता है कि उनसे ही पूछना चाहिए कि क्या वजह है, क्या कहीं उनकी मजबूरी, कौन सी मजबूरी है, क्या है, मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए एक पार्टी में जब आप रहते हैं उस पार्टी की ना तो नुक्ताचीनी होनी चाहिए और एक डिसिप्लिन का होना भी बहुत लाजमी है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मिलजुल के जब आप चलेंगे, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर इस किस्म की बात होगी तो उससे पार्टी ही कमज़ोर होती है, ये बात हम सबको समझनी होगी। ये मेरा किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये मेरा तमाम साथियों को मेरा एक परामर्श है, मेरी एक सलाह है, मेरा एक मशवरा है। सर पैंथर्स पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का काम, आम आदमी पार्टी किसके भरोसे है? देखिए आम आदमी पार्टी को मिलजुल कर हम सब चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, एक समर्थन भी मिल रहा है और लोगों में एक उम्मीद भी है, अच्छी लीडरशिप आएगी। और और अज तक जो है करोना फैलिया